स्वागत है आपका मैकेनिकल एजुकेशनल फोरम में। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के टॉपिक की बात करेंगे, सिस्टम ऑफ फोर्स की। इसे हम फोर्स सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, देखिए इसके डिफिनेशन बहुत ही क्लियर है ना। मैं आसान तरीके से आपको बताता हूँ। अगर किसी बॉडी पे, चाहे बॉडी आपका 2D हो चाहे बॉडी आपका 3D हो, अगर बॉडी पे एक से अधिक फोर्स लग रहा है ना, तो हम बोलेंगे ये जो फोर्स है ग्रुप बना रहा है, और यही ग्रुप का अरेंजमेंट आपका सिस्टम ऑफ फोर्स कहलाता है। जैसे हम लोग भी हैं, जैसे एक से अधिक लोग मिल जाए तो ग्रुप बन जाता है, और इसी ग्रुप का अरेंजमेंट है ना, यही ग्रुप आपका सिस्टम बना देता है। एक तरह सिस्टम बनता है, ये इंसान का भी सिस्टम बन जाता है जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं एक साथ। तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन भी कोई होता है, जैसे आपका कॉलेज है तो इसमें बहुत सारे लोग हैं, है ना, ग्रुप है इन सभी का, और ये सभी ग्रुप एक सिस्टम की तरह काम करता है। ठीक उसी तरह फोर्स में भी होता है, जब बॉडी पर एक से अधिक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाए तो वो ग्रुप बन जाता है फोर्स का, और उसी ग्रुप को हम कहते हैं फोर्स सिस्टम। ठीक है ना। जैसे कि मैंने कही कि बॉडी आपकी 2D भी हो सकती है, 3D भी हो सकती है। तो जब फोर्स आपका 2D पर लगेगा तो हम बोलेंगे ये कोप्लैनर फोर्स सिस्टम है, और जब 3D पर लगेगा तो हम इस फोर्स सिस्टम को नाम देंगे नॉन कोप्लैनर फोर्स सिस्टम। हमारा जो सिलेबस है ना, इसमें हम नॉन कंकरेंट की बात नहीं करते हैं, है ना, हम इसके बारे में नहीं पढ़ते हैं। डिफिनेशन आप पढ़ सकते हैं लेकिन इसके बारे में डिटेल आपको नहीं पढ़ना होता है। हमको डिटेल में पढ़ना होता है केवल कोप्लैनर के बारे में। ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। नॉन कोप्लैनर की आपको केवल डिफिनेशन को ध्यान में रखना है, कुछ चीजें है ना, बेसिक चीजें ध्यान में रखनी है, डिटेल में नहीं बात करनी है। कि जो कोप्लैनर और नॉन कोप्लैनर का जो क्लासिफिकेशन है वो लगभग सेम है ना, डिफिनेशन दोनों की सेम है ना। जो इसे क्लासिफिकेशन है, जैसे कि आप देखेंगे कोप्लैनर का जो क्लासिफिकेशन है, इसमें आपका कोलिनियर फोर्स सिस्टम है, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। ये जो नॉन कॉन्करेंट है दो पार्ट में क्लासिफाई फिर से हो गया है, पैरेलल फोर्स सिस्टम और नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम। ये जो पैरेलल फोर्स सिस्टम है आपका लाइक और अनलाइक में फिर से बदल गया है। नॉन कोप्लैनर आपका केवल और केवल कॉन्करेंट और नॉन कॉन्करेंट में प्रभावित हुआ है, नॉन कंकरेंट आपका पैरेलल और नॉन पैरेलल में, और फिर से पैरेलल आपका लाइक और अनलाइक में। यहां पर जो आपका नॉन कोप्लैनर का जो क्लासिफिकेशन है, इसमें आपको कोलिनियर फोर्स सिस्टम नहीं मिलेगा। यहां पर जैसे कोप्लैनर में आपका कोलिनियर है, नॉन कोप्लैनर में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कोलिनियर फोर्स सिस्टम होता है ना, आगे मैं बताऊंगा कि इसमें जो फोर्सेज का ग्रुप होता है उनका लाइन ऑफ एक्शन है ना, वे एक ही लाइन पर एक्ट करते हैं। ठीक है ना, इस तरह से एक्ट करते हैं। ये पहला फोर्स है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये सभी एक ही लाइन पर लगे हुए हैं। इस वजह से ये 2D में ही आते हैं, केवल 3D में ये नहीं आ पाते हैं, है ना, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आगे बात करते हैं। अब अलग अलग जो क्लासिफिकेशन है उसको डायग्राम में समझते हैं कि आखिर ये कैसे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर जो डायग्राम है मैं आपको बता देता हूं, ये डायग्राम है आपका कोप्लैनर फोर्स सिस्टम का, जहां पर ये बताया गया है कि आपके पास एक एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, यानी ये 2D में है आपके, और 2D में जो भी फोर्स लग रहे हैं इसको हम नाम देंगे कोप्लैनर फोर्स सिस्टम, है ना। ठीक है, ये बात तो मैंने आपको बताया ही कि ये 2D है, प्लेन है, और इसमें जो भी फोर्स लगेंगे आपके वो सभी आपके कोप्लैनर फोर्स सिस्टम कहलाएंगे। ठीक है, ये है आपका नॉन कोप्लैनर फोर्स सिस्टम, जिसमें हमने 3D में बात करी है, एक्स वाई और जेड, और इसमें जो भी बॉडी है आपके, जो भी प्लेन है, उसके अलग अलग प्लेन पर आपको फोर्स लगते हुए दिखाई पड़ेंगे, है ना। तो अगर 3D में कोई बॉडी है और उस पर अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, फोर्स का ग्रुप पर लग रहा है, तो हम बोलेंगे वे जो है आपके नॉन कोप्लैनर फोर्स सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं। ये जो डायग्राम है ये है कंकरेंट फोर्स सिस्टम का। इस फोर्स सिस्टम की खास बात यह है कि जितने भी फोर्स होंगे ना, जितने भी फोर्स होंगे वे सभी एक ही पॉइंट से पास करेंगे, और पॉइंट आपका यही है आपका वो पॉइंट।
इसी पॉइंट से जितने भी फोर्स होंगे, जितने भी फोर्स लगे, वे एक सिंगल पॉइंट से होकर गुजरते हैं, चाहे उनका डायरेक्शन कोई सा भी हो, चाहे उनका डायरेक्शन इस तरह से भी क्यों ना हो, इस तरह से भी हो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, वे एक ही पॉइंट से पास करेंगे, उनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से होकर गुजरेगा। फोर्स सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन आपका किया गया है, इस बात को ध्यान में रखकर किया गया है कि उनका लाइन ऑफ एक्शन किस तरह से है, मैग्नीट्यूड को ध्यान में रखकर या किसी भी चीज को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है, उनका लाइन ऑफ एक्शन का पोजीशन किस तरह से है, उसी के आधार पर हमने क्लासिफाई किया है फोर्स सिस्टम को। तो कंकरेंट समझ आ गया, ये है आपका नॉन कंकरेंट। नॉन कंकरेंट की खास बात आपकी ये है कि ये इधर उधर होंगे, है ना, ये इधर उधर होंगे, जिस तरह से कंकरेंट आपका एक पॉइंट से पास हो रहा था, इसमें जरूरत नहीं है, ये आपके किसी पॉइंट से पास नहीं होंगे, ठीक है ना, ये आपको इधर उधर बॉडी पर लगेंगे। अगर ये बॉडी है आपकी, इस बॉडी पर ये इधर उधर लगेंगे, किसी पॉइंट से ये पास नहीं होंगे, ठीक है ना। ये है आपका कोलिनियर फोर्स सिस्टम। इस फोर्स सिस्टम में खास बात ये है कि जितने भी फोर्स लगेंगे, चाहे उनका डायरेक्शन कुछ भी क्यों ना हो, है ना, डायरेक्शन कुछ भी हो इनका, इस तरह से भी ये हो सकता है, ठीक है ना, इस तरह से भी ये हो सकता है, लेकिन इनका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा, इनका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा, ये एक ही लाइन ऑफ एक्शन पर सारे फोर्सेज लगेंगे, ठीक है ना, सारे फोर्सेज आपके एक ही लाइन ऑफ एक्शन पर मिलेंगे, ये आपके कोलिनियर फोर्स सिस्टम होंगे, ठीक है। ये है आपका पैरेलल फोर्स सिस्टम। पैरेलल फोर्स सिस्टम की खास बात ये है कि जितने भी फोर्स लगेंगे, उनका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा ना, वो एक दूसरे के पैरेलल होगा, ठीक है, एक दूसरे के ये पैरेलल होगा, ठीक है, इस बात का वो ध्यान रखना है। डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, और अगर डायरेक्शन की बात मैंने की है तो मैं आपको बता दूं कि पैरेलल को लाइक और अनलाइक में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है, देखे होंगे आप। लाइक में क्या होता है कि इनका जो डायरेक्शन होता है ना, पैरेलल तो होंगे वे सभी फोर्स, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, लेकिन जो डायरेक्शन होगा, अगर एक ही डायरेक्शन में है सभी फोर्स, तो ये आपका लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम कहलाएगा। ये आपका लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम है, ठीक है। ये जो है आपका पैरेलल फोर्स सिस्टम तो है, लेकिन अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम है, क्योंकि इसके जो डायरेक्शन है फोर्स का, वो डिफरेंट डायरेक्शन में है, ठीक है ना। ये है आपका नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम। इसकी खास बात ये है, ठीक है, ये का जो इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है, वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होता है, ठीक है ना। अगर एक दूसरे के पैरेलल वो नहीं होता है, तो ये आपके नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम कहलाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने बात की थी कि आपके जो नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम होते हैं, किसी पॉइंट से पास नहीं होते, तो आप ध्यान देखेंगे कि ये जो आपका है ना, पहले मैं क्लासिफिकेशन पर चलता हूं। हाँ, यहां पर हमें बात की कि कोलिनियर आपके जितने भी फोर्स सिस्टम होंगे, उस सभी एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे होंगे, एक ही लाइन पे होंगे वे। कंकरेंट में आपके एक ही पॉइंट से सारे फोर्स पास करेंगे, और नॉन कंकरेंट में आपके एक पॉइंट से पास नहीं होंगे। आपने देखा कि पैरेलल में सभी एक दूसरे के पैरेलल थे, किसी पॉइंट से पास नहीं कर रहे थे। नॉन पैरेलल में भी किसी पॉइंट से पास नहीं कर रहे थे, वे इधर उधर थे, और लाइक और अनलाइक तो इसी का क्लासिफिकेशन है। आई होप आपको चीज समझ आ गई होगी। अब आप बोलेंगे नॉन कोप्लेनर में जितने भी फोर्सेज हमको दिख रहे हैं, इसका क्लासिफिकेशन कैसे करें, बड़ा डिफिनेशन कैसे दें इनका, है ना। जो डिफिनेशन इनकी है, सेम टू सेम इनकी भी यही डिफिनेशन होगी, बशर्ते ये 2D पर लग रहा था, ये 3D पर लग रहा है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अगर नहीं क्लियर हुई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कोई डाउट है, कोई सलाह देना चाहते हैं, कोई शिकायत है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, गुड बाय।